रविवार को केरल के पुतिंगल मंदिर में हुए अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 112 पहुंच गई है। मौत की आतिशबाजी के लिए जिम्मेदार लोगों पर आज कार्रवाई की गई है। मामले में अभी तक 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये मौत की आतिशबाजी है। केरल के पुतिंगल मंदिर में इसी आतिशबाजी ने कई घरों की रोशनी छीन ली। आतिशबाजी से फैली आग ने ऐसा तांडव मचाया कि 112 जिंदगियां मौत के गाल में समा गईं, जबकि 400 से ज्यादा जाने अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। दरअसल देवी का ये मंदिर आतिशबाजी के लिए ही मशहूर है। हर नवरात्रि में यहां आतिशबाजी की प्रतियोगिता होती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से हजारों लोग जुटते हैं। और जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस दौरान भी मंदिर में 6 से 7 हजार लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि रविवार तड़के भी आतिशबाजी प्रतियोगिता हो रही थी। सब सही चल रहा था, तभी अचानक आतिशबाजी से निकली चिंगारी पटाखा स्टोर तक जा पहुंची। जैसे ही पटाखा स्टोर में ये आग लगी, धमाके होने लगे और माता का ये मंदिर चीख पुकार से गूंज उठा। मंदिर में मातम का जिम्मेदार कौन, ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर किसकी गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ। क्या इसके लिए मंदिर ट्रस्ट जिम्मेदार है या फिर स्थानीय प्रशासन, जो हादसा रोकने के लिए नाकामयाब साबित हुआ। नवरात्रि के दौरान हुए इस दर्दनाक हादसे की भनक शायद ही किसी को होगी, लेकिन जहां आग का खेल धूमधाम से खेला जा रहा हो, वहां प्रशासन लापरवाह कैसे हो सकता है। इस लापरवाही के लिए 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य भी शामिल है। साथ ही जिन 5 लोगों ने आतिशबाजी की थी, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तभी तो हादसे के तुरंत बाद ही पीएम मोदी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे। हादसे की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। वैसे एक तरफ जहां इस हादसे ने मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है, वहीं सवाल ये भी है कि जिस खेल से हर पल हादसा होने की आशंका बनी रहती है, उसे बंद क्यों नहीं कर दिया जाता। मंदिर प्रशासन की सबसे बड़ी बॉडी त्रावणकोर देवासम बोर्ड ने साफ कर दिया है कि किसी भी मंदिर में आतिशबाजी पर रोक नहीं लगेगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि 112 लोगों की मौत के बाद भी मंदिर ट्रस्ट आतिशबाजी के इस खेल पर क्यों अड़ा है। फिलहाल हादसे की जांच जारी है, लेकिन जिस तरह से मंदिर ट्रस्ट भविष्य में आतिशबाजी पर लगाम लगाने से इनकार कर रहा है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में इस तरह के हादसे होने की आशंका और बढ़ जाती है। देखते रहिए डीबी लाइव।